हेलो, कैसे हैं आप लोग। पहला सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटों पे इलेक्शन हुए हैं वो। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आप पेपर नहीं पढ़ते हो, और अगर पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आप ये समझ लो कि आपका सिलेक्शन तो बिल्कुल होना ही नहीं है। मेंस तो छोड़िए, प्री में भी नहीं होना है, क्योंकि जो ये सवाल है अक्टूबर के महीने में ये हुआ है और 11 सीटों पे इलेक्शन हुआ है। ये 100% सवाल आने वाला है यूपीपीसीएस प्री के एग्ज़ाम में, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम के बाद कोई भी मिड टर्म इलेक्शन होते हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है इसका मतलब है कि पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स सब कवर कर रहे हो। नहीं कर पढ़ मतलब जवाब दे पाए हो, उसका मतलब कि आप करंट अफेयर्स या पीसीएस की पढ़ाई को सीरियसली नहीं ले रहे हो। अगर आप सीरियसली नहीं ले रहे हो तो एक काम करो, इस वीडियो को यहीं बंद कर दो और जाके टिकटॉक में या कोई और गाना बजाना देखो आप, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है पीसीएस बनना। अगर मेहनत नहीं कर सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, तो अपने आप को झूठ बोलने में, अपने माँ बाप को झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं है। आप जो कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी कीजिए, छोटा मोटा एसएससी, बैंक, ये सब करो आप, क्योंकि पीसीएस के एग्ज़ाम में मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि आप नंबर वन पहुँचो, अच्छी नौकरी पर जाओ, एसडीएम बनो, डीएसपी बनो, वहाँ पे पहुंचने के बाद लोग रिस्पेक्ट करें आपको, पैसा भी कमाओ आप, तो उसके लिए भैया थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल मॉक टेस्ट जो सीरीज चला रहे थे, आज का दूसरा पेपर है, दूसरा टेस्ट है, देखते हैं कितने आपको आते हैं। कुछ लोगों ने पिछली बार रिप्लाई किया था, पिछले टेस्ट में रिप्लाई किया था। अब एक काम करना, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शंस मैंने बहुत कम पूछूंगा, कल बता दिया था कि ऑप्शंस नहीं पूछूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना रहो। जितने सवाल पूछे जाएंगे अगर आप लिख दोगे तो वो आपके लिए श्योर हो जाएगा, फिर वो गलत नहीं होगा। तो जो मैं कह रहा हूँ वो बात मानो आप। आपसे मैं उम्र में और एक्सपीरियंस दोनों में बड़ा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप मुझे आप गुरु मान रहे हो तो मेरी बात को बिल्कुल फॉलो करोगे आप। तो आप कॉपी पेंसिल ले लो, अगर आप टाइप करने में दिक्कत आती है तो कॉपी पेंसिल लेकर, जो सवाल मैं पूछूंगा यहाँ पर, दो बार सवाल मैं पूछूंगा, बीच में 5 से 10 सेकंड का मैं गैप दूंगा, आपको रिप्लाई लिखना है। जब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो अंत में आप जितने भी क्वेश्चन आपने राइट किए होंगे, जब मान लो 25 क्वेश्चन पूछते हैं, 18 20 जितने भी, तो लिख दीजिएगा, रिप्लाई कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगे कि आप लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। आज जो हम करेंगे वो पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ सवाल लेंगे। शुरू करने से पहले बस 1 सेकेंड या 1 मिनट का मैं आपसे चाहता हूँ कि काम करो कि आँख बंद करके फील करो कि आप पीसीएस बन गए हो। ये रोज करना, जब ये पढ़ाई करने आना, जब ये पढ़ाई करना स्टार्ट करना, तो ये करना कि आप पीसीएस बन गए हो। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज कर दो और फील करो, क्योंकि यदि आप फील नहीं करोगे ना, आप बनोगे नहीं। आप पहले अपने अपने जहन में आप पहले अपने आप को करो, ठीक है। पॉज कर लो, फील कर लो और दोबारा स्टार्ट करना। आप मैं फिलहाल आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान जो होते हैं उस पर सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल यूपी पीसीएस में प्री में ग्रास लैंड ज्योग्राफी से पूछा ही जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरी पढ़ ली होगी, नहीं पढ़ी है तो किताबें ऑलरेडी मार्केट में हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था वो देख सकते हैं, वो उससे पढ़ सकते हैं आप। उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, लगता है कि और मेहनत चाहिए, तो जो मैं कोर्स प्रोवाइड करता हूँ मैं, आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल यह है कि दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। 50 बार पूछा गया सवाल यही है, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। आंसर है पैम्पास। तो पहले लिखना है आपको, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा मैं आपको। कल मैंने आंसर नहीं बताए थे लेकिन आज बताऊंगा मैं आपको। निम्नलिखित में से, अब 4 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, निम्नलिखित में से कौन सीताशोण घास का मैदान नहीं है, कौन सीताशोण घास का मैदान नहीं है। पैम्पास वेल्ड डाउन सवाना, पैम्पास वेल्ड डाउन सवाना, इसमें कौन सीताशोण घास का मैदान नहीं है। अभी सीताशोण क्या होता है, कोशिश कीजिएगा कि आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एनसीईआरटी बुक्स या विकिपीडिया में चेक कर लेना। फिलहाल इसका आंसर है सवाना। चलिए अब मुझे ये बताइए, जो घास के मैदान हैं, वो घास के मैदान में नाम लूंगा और आपको बताना कि वो कहाँ पाए जाते हैं।
कैंपस लिखना है आपको, कहाँ पाए जाते हैं, मैं एज अ फॉलोइंग वाला सवाल आता है ये, कैंपस ब्राज़ील में, स्टेप्स स्टेप्स वेस्टर्न रशिया यूरेशिया यूरोप में पाए जाते हैं, ठीक है, वेल्ड वेल्ड साउथ अफ्रीका, ये चार पांच हैं, इसको आप पढ़ना है आपको। एक पैम्पास था, पैम्पास अर्जेंटीना में पाया जाता, अर्जेंटीना उरुग्वे में पाया जाता है, ठीक है, ये चार पांच इसमें से पढ़ लीजिएगा आप। चलिए एक सवाल और है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, मरुस्थल यानी डेजर्ट परिभाषित डिफाइंड किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में, मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ उसमें आपको बताना है, जहाँ तापमान 42 डिग्री से अधिक रहता हो, बी कोई प्लांट या पादप ना पाए जाते हों, सी वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, या डी बालू के टीलों की प्रधानता ज़्यादा हो, जो टीले होते हैं जो बालू के टीलों की प्रधानता ज़्यादा हो, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको सही बताता है कि ये मरुस्थल है या डेजर्ट है। आप ए बी सी ले सकते हो, ए है तापमान 42 डिग्री ज़्यादा हो, बी है कोई प्लांट वगैरह ना हो, सी है वार्षिक ताप वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, और डी है बालू के टीले ज़्यादा हो। इसका आंसर है आपका, मरुस्थल वो होते हैं जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है पूरे साल भर में। अब मुझे एक सवाल ये बताओ कि जितने भी डेजर्ट हैं, जितने मरुस्थल हैं, अगर आप मैप देखोगे जितने भी मरुस्थल हैं वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की तरफ है, वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट की तरफ है, महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से की तरफ है। आप इंडिया का भी देखोगे तो थार है वो पश्चिमी साइड में है, सहारा देख लो, कालाहारी देख लो, आप सब वेस्टर्न टाइप पे हैं, क्यों क्यों है ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं है, वेस्टर्न साइड में क्यों है? इस बार पीसीएस के सवाल ऐसे ही आएंगे आपको, इस बार सवाल कुछ ऐसे ही आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे, ये सोचो कि घटना चक्र पढ़ के निकाल लोगे तो भूल जाओ। एक तो वैसे ही 4000 लोग सेलेक्ट होने हैं, ऊपर से वो जो नए चेयरमैन साहब आए हैं वो क्वेश्चन पीसीएस को कि क्वेश्चन भी आई इस तरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। तो जो ये मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब आप सर्च करना, मैं तो बता ही दूंगा आपको, सर्च करना, और ना आया तो मुझसे पूछ लेना, फिर ये नंबर लिखा हुआ है इस पर मुझे मैसेज कर देना। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आसान सा सवाल है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होता है, सब कहां पर है, किस डेजर्ट में है, थार, इंडिया पाकिस्तान का जो है थार। टकला मकान मरुस्थल कहां स्थित है, कहां पाया जाता टकला मकान, चीन में। गोभी मरुस्थल कहां पाया जाता है, गोभी मंगोलिया में। आटाकामा डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, आटाकामा, सब पेपर में आए हुए हैं एग्जाम में, कहाँ पाया जाता है, चिली में, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, ड्राई क्षेत्र कौन सा है, पानी बिल्कुल नहीं होता है, शुष्क क्षेत्र कौन सा है, आटाकामा डेजर्ट चिली में है, चिली कहाँ है पता है ना आपको, साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना के बगल में चिली, ना हो तो वीडियो पॉज करना और या बाद में वीडियो के बाद चेक कर लेना। कालाहारी डेजर्ट कहाँ किस किस देशों में पाया जाता है, आज थोड़ा जुकाम है इससे दिक्कत हो रही है, एडजस्ट कर लीजिएगा। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है, किन किन कंट्रीज में पाया जाता है, उम्मीद करता हूँ आपको नहीं आता होगा, बोस्वाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका। चलो आगे देखते हैं, कुछ वैलीज हैं, वैलीज से क्वेश्चन बनते हैं, वैलीज आपको बतानी है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी डेथ वैली किसका उदाहरण है, किस टाइप की बनी है चीजें, ये डेथ वैली बनी है जो कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया कहाँ है, अमेरिका में, वहां कैलिफोर्निया है, वहाँ पर एक डेजर्ट है जिसको डेथ वैली कहते हैं, वो क्या कारण है कि वो बन गए वहाँ पर। ऑप्शन चार थे लेकिन मैं दूंगा नहीं आपको। तो जो डेजर्ट है ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है, रिफ्ट वैली, ठीक है। अब रिफ्ट वैली क्या होती है, ये ज्योग्राफी पढ़ना है आपको, थ्योरी पढ़िए इसको, आपके लिए नहीं आता सर्च कीजिए, नहीं पता चले
इस नंबर पर कॉल कीजिए, ठीक है। डेविल्स गोल्फ कोर्स किसे कहते हैं? डेविल्स गोल्फ कोर्स ये आया एग्जाम में, डेविल्स गोल्फ कोर्स। डेविल्स मीन्स शैतान, गोल्फ मीन्स गोल्फ खेलते हो, कोर्स मतलब जहाँ पे खेला जाता है आपको। डेविल गोर्स गोल्फ कोर्स किसे कहा जाता है, कहाँ है ये? यूएसए, कैलिफोर्निया डेजर्ट, कैलिफोर्निया के अंदर जो डेजर्ट है ना उसी को डेविल्स गोल्फ कोर्स कहते हैं। चलिए बताइए पंचशील कहाँ है? पंचशील, पंचशील अफगानिस्तान। सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में तो है, अमेरिका में कहाँ पर है, किस राज्य में है? कैलिफोर्निया। टेलर घाटी कहाँ है? अंटार्कटिका। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बेसिन कहाँ है? अमेरिका। राजाओं की घाटी कहाँ है? मिस्र, इजिप्त। अंधी घाटी कहाँ पर है? अंधी घाटी क्रास्ट प्रदेश होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, वो होते हैं वहाँ पर आती है। अब जितने भी चार पांच मैंने पूछे नहीं आपसे, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। नहीं आता हो तो फिर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो तो वीडियो बंद कर दो, चले जाओ यहाँ से, ठीक है। वैसे भी कोई आपको सफल करा नहीं पाएगा जिस तरह से तैयारी कर रहे होगे। 50 दिन की बात है, ये सब नहीं आता होगा तो बेकार है तैयारी करना आपको। ज्योग्राफी पढ़ लिया है, अब स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा पढ़ के आए होगे तो कुछ कर पा रहे होगे, नहीं कर पा रहे हो तो शीशे में अपनी शक्ल देखना, अपनी आँखों से अपनी आँखों में झांक के देखना और सवाल पूछना, कर क्या रहे हो? टाइम बर्बाद कर रहे हो? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहे हो? माता पिता को इम्प्रेस करना चाहते हो? मोहल्ले को इम्प्रेस करना चाहते हो कि सचमुच पीसेस बनना चाहते हो? मोटिवेट तो नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ मैं, ठीक है। सच्चाई बताऊँगा आपको मैं, आपकी औकात क्या है। 4000 लोग सेलेक्ट होंगे सिर्फ, 4000, 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 4000 सेलेक्ट होंगे। दम है तो पढ़ लेना, नहीं तो नौकरी कर लो आके कहीं पर। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? वास्को डी गामा बताना, सुना ना स्कूल में सुना होगा, किस वर्ष कालीकट आया? बहुत सवाल क्वेश्चन आसान है, मतलब पोर्चुगीज कब इंडिया आए, सवाल ये है। डेट वर्ष 1498, ठीक है। वास्को डी गामा चलता है, कालीकट पहुंचता है, ठीक है। किससे मिला? कालीकट में कहाँ है केरल? कालीकट पहले ये बताओ, केरल में है। कालीकट में किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, वेलकम किया, कौन सा राजा था? थोड़ा भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो बता दोगे, थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, और नहीं पढ़ी होगी तो समझ जाऊंगा कि यार वो 5 लाख हो, 5 लाख माइनस 4000 वाले में से हो, ठीक है। जमुरियन हिंदू राजा था एक, जमुरियन वेलकम किया था। वास्को डी गामा क्यों आया था? क्योंकि व्यापार करना चाहता था। वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ता की खोज की थी, ठीक है। क्यों की थी, लंबी कहानी हो जाएगी, बाद में बताऊंगा। समझ लो कि ये समझ लो कि जो आपका जो जितने भी सिल्क रूट था ऊपर वाला, यूरोप के जो यूरोप से इंडिया चाइना पहुँचते थे, वहाँ पर बाकी राजाओं का ने ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था, तो जो ये ट्रेड था बड़ा मुश्किल हो गया था। वहाँ पर वो टैक्स लगा देते थे, इस टैक्स लगाने का कारण क्या होता था कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती थी, इसलिए उन्होंने समुद्री रास्ता अपनाया। चलिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, रियल फाउंडर। वास्को डी गामा तो आ गया था, लेकिन वास्को डी गामा आंसर नहीं है। कौन है रियल फाउंडर जिसने सचमुच पुर्तगालियों को मजबूत किया? अल्बुकर्क। एक बंदा और आता है नाम अल्मीडा, वो कौन था? पहला गवर्नर, समझना फर्क, ठीक है। तीन है पुर्तगालियों में, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बंगाल में, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, फैक्ट्रीज को किसने कहाँ फैक्ट्री लगाई,
पहली फैक्ट्री किसने कहाँ लगाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के आना इसको, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन ये है, बंगाल की निमित लिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई, बुंदेला में, चिंसुरा में, हुगली में या श्रीरामपुर में, बुंदेला में, चिंसुरा में, हुगली में या श्रीरामपुर में पुर्तगालियों ने कहाँ लगाई है, पुर्तगालियों ने, आंसर है हुगली। आपको याद रखना है यूरोपियन से ब्रिटेन ने कहाँ लगाई, पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ लगाई, फ्रांस ने कहाँ कहाँ लगाई, सबको बताना चाहिए आपको। सवाल 2016 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, और चार पांच पढ़ना, चार पांच याद करना, एक ये नहीं एक ही याद कर लिया, क्योंकि जब 17 में क्वेश्चन आया था तो उन्होंने काफ़ी डिटेल में पूछा था, ठीक है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था, समुद्री लूटपाट, लूट लेते थे वहाँ के, किसने लूटा था, कौन लूटता था वहाँ पर जाके, जितने जहाज आते थे, तो ये तो क्वेश्चन आईएएस में भी आया हुआ है। तो जो लूटपाट में जाते थे वो थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रिश्तेदार पुर्तगाली, वो लूटते थे आपको। अब कौन बोलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है, तो भाई फुटबॉल खेलता है, नहीं पता तो गूगल में सर्च मार लेना, तब भी नहीं पता लगे तो समझ जाऊंगा कि करंट अफेयर्स बिल्कुल जीरो है आपका। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, देखो जो मैंने पूछा था भैया कौन था, बताओ भाई तुम बताओ कौन था पुर्तगाली, पुर्तगाली का पहला वायसराय गवर्नर, अरे भैया अल्मीडा था, अल्मीडा, अल्बुकर्क क्या था, अल्बुकर्क ने क्या किया था, रियल पावर था, अभी अल्बुकर्क ने काम और किया है। वह कौन सा पुर्तगाली था जिसने गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए कहा था, पुर्तगालियों को कहा कि सैनिक थे उनसे कहा था कि शादी कर लो लोकल गोवा के लोगों से, और शादी उन्होंने करना शुरू की, एक मेन कारण यह था कि जो मैन पावर सस्ती मिल जाए, इसलिए किसने कहा था, वास्को डी गामा ने कहा था, अल्बुकर्क ने कहा था, अल्मीडा ने कहा था या पेट्रो कार्बेल ने कहा था, किसने कहा था, तो भैया ये सब काम ना अल्बुकर्क ने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, अल्बुकर्क ने कहा था अपने सैनिकों से शादी कर लो, एक तो वहीं तुम्हारी बीवी लुगाई वहीं पर है पुर्तगाल में, एक यहाँ बना लो, ठीक है, तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो उनको सैनिक नौकरी मिल जाएगी यहाँ पे, अच्छा काम था ये भी, बढ़िया। आज देखो जितने भी गोवा के लोग हैं वो सब डिकॉस्टा कॉस्टा यही सब जितने भी होते हैं ये सब नाम उनके पड़ गए हैं, आधे इंडियंस हैं आधे पुर्तगाली हो चुके हैं वो। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की जो किस लोगों ने किन्होंने इसको स्टार्ट किया, संयुक्त पूंजी ज्वाइंट वेंचर, एक कंपनी में ज्वाइंट वेंचर किया था उसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट वेंचर की कंपनी खड़ी की किसने खड़ी की इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रेंच ने या डेनिश डेनमार्क के लोगों ने, किसने किया। और ये कंपनी ना बड़ी, मैंने एक वीडियो बनाया था जब उसका थंबनेल मैंने इसका डाला हुआ है कि एप्पल जो नंबर वन कंपनी इस समय हिंदुस्तान की है वर्ल्ड की है, एप्पल इतनी सी है और ये कंपनी वो इतनी बड़ी थी, वो मैंने बनाया था उसको, तो इतनी बड़ी 8-10 गुना ज़्यादा बड़ी थी वो कंपनी, तो कंपनी थी डच, डच वाले, डच कौन होते हैं, नीदरलैंड, हॉलैंड वाले, हॉलैंड नीदरलैंड कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत को निम्नलिखित बादशाह कौन था, कौन था भैया जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कौन था हिंदुस्तान बादशाह, आप तो ये जानना पड़ेगा कि पहले तो कब रजिस्टर्ड हुई है, कौन था, 1605 में आते हैं, ठीक है, 1498-99 में इनका रजिस्ट्रेशन होता है, 99 में होता है, 1599 में होता है, ठीक है, 1600 के आसपास पर, 1600 के आसपास कर लो, 1600 में कौन था, कौन बादशाह था यहाँ पे, अरे अकबर था भैया, अकबर 1605 में मर गया, ठीक है, तो उस समय अकबर था। निम्नलिखित यूरोपियन शक्तियों ने भारत व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया, अब आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया उसके बाद कौन आया, तो मैं चार ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, अंग्रेज डच फ्रांसीसी पुर्तगाली, अंग्रेज डच फ्रांसीसी पुर्तगाली, इनका लाइन से बताओ कि पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, अंग्रेज डच फ्रांसीसी पुर्तगाली कौन है लिख लो सोच लो, अंग्रेज डच फ्रांसीसी पुर्तगाली पहले कौन आया बाद में कौन आया फिर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बताता हूँ आपको, पहले आए पुर्तगाली, ठीक है, फिर कौन आया डच, फिर आया ब्रिटिशर्स,
और बाद में आए फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे आखिरी में कौन गया? सबसे आखिरी में गया, चलो ये तो आए, आखिरी में कौन गया? पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे आखिरी में गए, आज़ादी के बाद गोवा की मैं भी वो कब्जा किए हुए थे उस समय भी। ठीक है, तो सबसे आखिरी में गए वो लोग। फ्रांसीसी डक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल क्यों रहे? जो कहते हैं फ्रांसीसी जो थे वो बहुत अपने को मजबूत नहीं कर पाए डक्कन में, डक्कन जिसे कहते हैं हम लोग, क्यों नहीं कर पाए? मैं आपको चार ऑप्शन देता हूँ कि ड्यूप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सी भारतीय लोग फ्रांसीसी लोगों को पसंद नहीं करते थे। और डी पौंडिचेरी सामरिक केंद्र था। क्यों फ्रांसीसी बहुत मजबूत नहीं हो पाए इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उस समय? थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इतिहास, ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो एनसीईआरटी पढ़ लो कम से कम। एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते तो बिपिन चंद्रा वगैरह हैं, ये सब पढ़ सकते हो, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। किरण पब्लिकेशन किताब आती है वो पढ़ सकते हो अगर पढ़ने का दम है। बहुत कम दम है नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल टाइम कम है तो फिर घटना चक पढ़ सकते हो यार, वो भी भगवान मालिक है, ऐसे फंस जाए तो फंस जाए उसके अंदर। फ्रांसीसी जो नहीं बना पाए उसका मेन कारण था कि अंग्रेज की जो फौज थी बहुत शक्तिशाली थी, ब्रिटिशर्स ऑलरेडी पहले आ गए थे और उन्होंने बहुत कब्जा कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी किसके राज्य में, कब था? लुई 14, लुई 13, लुई 15 या लुई 16? लुई 13, 14, 15, 16 किसके शासनकाल में हुई थी? लुई, लुई ग्रेट, लुई 16 बड़ा फेमस है, मेरे से पढ़ोगे आप लुई 16 के बारे में। फिलहाल लुई 14, लुई 14 के टाइम में फ्रांसीसी इसने कंपनी बनी थी। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक आज़ादी पूर्व में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए थे? और बता दिया मैंने आपको, पूछ लिया, फ्रांसिस लास्ट में आए थे। ठीक है, हाँ ज़्यादा क्वेश्चन हो गया क्यों? इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अपने किस दूत को भेजा था? कौन बनेगा करोड़पति में सवाल आ चुका है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अपने किस दूत को भेजा? चार ऑप्शन बता रहा हूं मैं, जेम्स लैंस्टर, कैप्टन मिडलटन, कैप्टन हॉकिंस या थॉमस रो। किसको भेजा था व्यापार करने के लिए? कौन आया था भाई हिंदुस्तान? जहांगीर थे, जहांगीर जहां जहां जाते थे पीछे पीछे चले जाता था। जहांगीर दिल्ली छोड़ के चले गए जयपुर घूमने के लिए, वो पीछे 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 पीछे, सर टाइम दे दो, सर टाइम दे दो, तो वो थे कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस थे जो आते हैं, बाद में थॉमस रो भी आए थे लेकिन वो राजदूत नहीं थे, वो सिर्फ इसलिए आए थे कि जो ट्रेड है व्यापार है वो उसके लिए कुछ रियायत मिल सके उनको। निम्नलिखित में से किसके षड्यंत्र के कारण कप्तान हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति ना मिल सकी? जैसे मैंने कहा कि कैप्टन हॉकिंस बोलता था कि थोड़ा सा मुझे ट्रेड के लिए आसान हो जाए, थोड़ा सा व्यापारी कोटिंग मतलब होता है कि फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो चाहते थे कि वो फैक्ट्री लगा ले सूरत के अंदर, तो लेकिन मेन जो एक षड्यंत्र किया गया वो पुर्तगालियों द्वारा किया गया था, कि पुर्तगाल चाहते नहीं थे कि वो अंग्रेज इंडिया में आए और यहाँ पर व्यापार के अंदर उनको हिस्सा बांट दिया जाए। तो आंसर है पुर्तगाली। आखिरी के दो सवाल हैं, भारत में फ्रांसीसी फ्रेंच गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में फ्रेंच गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कासिम बाजार, चंद्रनगर, सूरत या पौंडचेरी? कहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिव थे? पौंडचेरी लास्ट में गए, अभी तक पौंडचेरी बहुत देर में गए ये लोग। इनफैक्ट जब ब्रिटिश ने हरा दिया था फ्रांसीसियों को तो ये सब कुछ ही इलाके में रह गए थे, उसे पौंडचेरी माँ है ये सब आता है उसी के अंदर। पौंडचेरी में कौन है इस समय लेफ्टिनेंट जनरल, कौन रूल कर रहा है? पौंडचेरी यूटी है ना, तो उसमें कौन है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जो वहाँ पे कंट्रोल करती है? और पौंडचेरी और दिल्ली कुछ और ख़ास काम भी करते हैं, क्या होता है यहाँ पे? दिल्ली और पौंडचेरी में कुछ ख़ास काम भी होता है जो बाकी जगह पे नहीं होता है, बाकी यूटी में नहीं होता। वो ये कि यहाँ पे विधानसभा है यूटी में, चंडीगढ़ भी यूटी है लेकिन वहाँ विधानसभा नहीं है। अब मुझे ये बताओ जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, जम्मू कश्मीर यूटी बनेगा लेकिन ये तीसरा बनेगा जिसकी विधानसभा होगी,
तो जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर वो यूटी है, बट यहाँ पर विधानसभा होगी। लद्दाख भी यूटी है पर उसमें विधानसभा नहीं होगी। यही कहते हैं पढ़ लिया करो, पढ़ लो पढ़ लो। इधर उधर वीडियो देखते रहोगे, इसके वीडियो देखे, उसके वीडियो देखे, सिलेक्शन हो चुका है फिर आपका। पढ़ो। भारत में प्रथम छापा खाना यानी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्टैब्लिश हुआ गया? किस, अच्छा कौन लेकर आया था प्रिंटिंग प्रेस, जो किताबें छपती हैं, कौन लेकर आया, कौन टेक्नोलॉजी लेकर आया? और बहुत इस टेक्नोलॉजी ने बहुत चेंज किया, बहुत प्रभाव डाला, बहुत ही इन्फ्लुएंस किया। वो कौन लेकर आए थे? अंग्रेज लाए थे, ब्रिटिशर्स लाए, ब्रिटिश लाए थे, फ्रेंच लाए थे, पुर्तगाली लाए थे, डच लाए थे, कौन लाया था? तो लाए थे पुर्तगाली। आज आपकी जो भी पढ़ाई, आपकी बैंड बजी हुई है, वो सिर्फ उसका मेन कारण है पुर्तगाली किताब छापने वाली मशीन लिया। अगर ना होती किताब छापने वाली, कितना अच्छा होता, पीसीएस की पढ़ाई ना होती फिर तो कितना अच्छा होता, मस्त सब जिंदगी काट रहे होते, खेती बाड़ी करते आराम से, कहाँ पीसीएस बनने की सोचते। चलो हिस्ट्री खत्म हो गया, पॉलिटिक्स शुरू हो गया। थक गए होगे, कोई बात नहीं, अभी थका नहीं हूँ, ठीक है? तो आप लोग थोड़ा सा दो चार सवाल के जवाब दो। ज्योग्राफी खत्म हो गई, हिस्ट्री खत्म हो गई, अब आ गया आपका पॉलिटी। पॉलिटी में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बड़ा है, तीन चार दिन लगातार चलेगा। आज शुरुआत है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है? थोड़ा पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा। निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं, कौन वो संस्थाएं हैं जो संविधान द्वारा मौलिक अधिकार जो दिए जाते हैं उसे लागू करते हैं, लागू, अगर आप वो लागू नहीं हो पा रहे तो उसको फोर्सफुली करते हैं, तो कौन कौन करता है, कौन लागू करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और अगर कैसे करते हैं, सवाल ये आता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो कैसे करेंगे? रिट दायर करते, रिट। अब रिट कौन कौन सी होती है, अब ये पढ़ लेना आप लोग, अगले आएगा रिट, बहुत इंपॉर्टेंट है रिट, कौन सी रिट है, मैंडमस है, क्यूट्योरी है, ठीक है, क्यू वारंटो है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब मैच द फॉलोइंग में सवाल आते हैं। चलो आगे, मौलिक अधिकार, और चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मौलिक अधिकार, कभी भी निलंबित नहीं किए सकते, ए कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, बी प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, सी राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या डी आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। कब मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ किया सकती है, कि कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित कर सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित कर सकते हैं, या आपातकालीन स्थिति में निलंबित कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? आपातकालीन क्या होता है? इमरजेंसी, इमरजेंसी लग गई, अटैक कर दिया पाकिस्तान ने, चाइना ने, उस समय आपातकालीन स्थिति में आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसको निलंबित कर सकते हैं, बट उसमें भी कौन से दो आर्टिकल हैं जो निलंबित नहीं हो सकते हैं, अब ये मुझे बता देना बाद में लिख के, जो कभी भी किसी स्थिति में भी आप फंडामेंटल राइट्स, वो कौन से हैं जो किसी भी स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में भी उनका हनन नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? कौन कौन से आर्टिकल्स के बीच में फंडामेंटल राइट्स आते हैं? आसान है, 12 से 35। पार्ट कौन सा है? थर्ड, थर्ड पार्ट आर्टिकल 12 से 35। भारत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विद्यमान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? सत्ता पे नियंत्रण कौन लगाता है? आर्टिकल 14, 15, 16 में से चार में से कौन लगाता है सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण? वो कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया सकता, सब इक्वल हैं, बराबर हैं सब, कौन कहता है? आर्टिकल 14, सब बराबर है, इक्वालिटी। मेंस में आया इस बार क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया मेंस में, ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है बराबर है सब लोग। समता का अधिकार जो है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है? चार मैं अनुच्छेद बोल रहा हूं, उसमें से कौन कौन में समता का अधिकार आता है, इक्वालिटी की बात करते हैं। 13, 14, 15, 16 कौन कौन से हैं समता के अधिकार वाले? 13 नहीं है, 14, 15, 16 है, ठीक है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने
से संबंधित है, मतलब कि कोई अगर बिल कोई कानून पास कराते हैं वो संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा, आर्टिकल 13 कहता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, किस आर्टिकल के तहत प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन इंस्टीट्यूट या प्राइवेट में सरकारी या प्राइवेट में रिजर्वेशन की बात की गई है, इसमें प्राइवेट भी है सरकारी भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4) या 16(5), 15(4), 15(5), 16(4), 16(5) इंपॉर्टेंट है। गैर सरकारी भी इसमें इन्वॉल्व है, मतलब प्राइवेट स्टूडेंट वहाँ पर भी रिजर्वेशन की बात है, जो कॉलेज में होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं वहाँ पर भी रिजर्वेशन आपको रूल फॉलो करने होते हैं। क्या है आर्टिकल 615(5)? अभी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा, ठीक है, तो एक जो बेनिफिट होगा अभी जो चूंकि मेंस में सवाल आया था ये, ठीक है, तो जो मे आर्टिकल 370 हटा वहाँ से तो जो रिजर्वेशंस हैं जो एसटीज को मिलते हैं, भाई जम्मू कश्मीर में भी तो एसटी रहते हैं ना, औरतें रहती हैं, तो उनको रिजर्वेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है तो वो सब अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा, इस बात का ध्यान रखना, ये फायदा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग से आया है, 14, 15, 16, 19 इनमें से कौन सा जो है वो अलग है, बता दोगे? आर्टिकल 19 क्या करता है? आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपको बोलने का अधिकार, कौन कौन से आर्टिकल्स में आता है? अमूमन 19 से 22 के तहत आता है, ठीक है, सब एक साथ माने आते हैं, कुछ वो नहीं आता, चलेगा। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स में कौन सम्मिलित नहीं है, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता, ये कौन सी इन चारों में से है जो मौलिक अधिकार में नहीं आता इक्वालिटी के, कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या आर्थिक समानता? तो भैया आर्थिक समानता जो है वो नहीं आता है, ठीक है, वो नहीं आता, बाकी सब आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, आर्थिक समानता की जिक्र कहीं नहीं किया गया है, कर ले तो कितना अच्छा होता, जो बेरोजगारी में सबकी बैंड बजी हुई है वो कम से कम उनको सबको पैसे मिलते हैं। बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, बच्चों के शोषण 17, 18, 23, 24 कौन सा है? 24, 23 क्या है? मानव के दुर्व्यवहार और वो फोर्सफुल लेबर जो होता है उस पर रोक लगाता है, 18 क्या करता है? उपाधियों टाइटल्स की बात करता है कि वो उपाधियाँ नहीं मिलेंगी, सिर्फ मिलिट्री और एजुकेशन वाली ही उपाधियाँ मिलेंगी, डॉक्टर वॉक्टर लगा पाओगे, मेजर कर्नल लगा पाओगे, जैसे राय बहादुर, नवाब साहब, ये सब की कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी अस्पर्शता का उल्लंघन कौन सा आर्टिकल से होता है? 17, ठीक है, अच्छा चलो आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आजादी से संबंधित है, प्रेस की आजादी से संबंधित कौन सा आर्टिकल जो है वो, कौन सा आर्टिकल प्रेस की आजादी को कवर करता है? 19, 20, 21, 22 कौन सा आर्टिकल? 19, ठीक है, आर्टिकल 19(1) का खासकर और स्पेशल 19(1) का, लेकिन कहीं पर भी प्रेस की आजादी के संबंधित कोई बात नहीं बोली गई है, जैसे ब्रिटेन में बोला गया है कि प्रेस की आजादी के लिए बकायदा वो लिखा गया है, ऐसा जिक्र कहीं नहीं मिलता संविधान में। डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया कि भाई आप प्रेस की आज़ादी के लिए आप स्पेशली मेंशन करो, तो उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 19 है वो वैसे ही बोलता है कि अभिव्यक्ति की बात बोलता है, वो अभिव्यक्ति की बात बोल रहा है, बोलने की आपकी आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, तो वो प्रेस भी क्या करता है, वो तो बोलता है और अभिव्यक्त करता अपने आप को, तो वही काम है, तो 19 में जो बात बोली गई है प्रेस उसी में आता है, उसके अलग से कोई लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ये 19(1) का। चलो देखते हैं,
अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? कौन सा आर्टिकल है वो? कृपाण रखने का, हथियार रखने का है वो। हर आदमी हथियार नहीं सकता, लेकिन वो सिख रख सकते हैं। क्यों? आर्टिकल 24, 25, 26, 27 में से कौन सा आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 25, कृपाण को उनके धार्मिक रीति रिवाज का हिस्सा माना गया है, इसे लिख दिया गया है। अब बवाल हो गया था एक बार फ्रांस में कि एक सिख कृपाण लेकर चला गया एक सरकारी बिल्डिंग में, वहाँ रोक लिया गया उसको, बोला कि आप, हम एक सेकुलर कंट्री हैं, आप अपने धार्मिक चिन्हों का वो नहीं कर सकते। एक बच्चे, कुछ बच्चे थे जो हिजाब पहन के स्कूल जाते थे, तो उनको मना कर दिया गया था। तो मुझे ये बताइए कि सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, तो इंडिया में कैसा है, फ्रांस में कैसा है? इंडिया में तो कृपाण पहन सकते हो आप, हिजाब पहन सकते हो, वहाँ नहीं पहन सकते आप। क्यों, क्या फ़र्क है, समझना पड़ेगा आपको। सेक्युलरिज्म, एक है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, एक है नेगेटिव सेक्युलरिज्म। इंडिया में है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, क्या बोलता है, सभी धर्मों को बराबर से बढ़ावा देंगे। गणपति उत्सव होगा तब भी सरकारी चंदा मिल जाएगा, ईद होगी तो उसमें भी चंदा मिल जाएगा, क्रिसमस होगा तो उसमें भी सरकारी छुट्टी मिल जाएगी, सबको बराबर से सपोर्ट करेंगे। फ्रांस क्या कहता है, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, सबको बराबरी सबसे दूर रखेंगे। ठीक है, हिजाब भी नहीं पहनोगे तुम कृपाण भी लेकर नहीं जाओगे, सब दूर, तो नेगेटिव है। हम लोग पॉजिटिव में चलते हैं, ये फर्क समझना, ये मेंस के लायक आएगा आपको। ठीक है, चलो अब आखिरी सवाल पूछे ना पूछे, चलो अब पूछ लेते हैं यार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, कौन बचाएगा आपके मौलिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट लूटे जा रहे हैं, कौन लूटेगा? सरकार, सरकार लूट सकती है आपके फंडामेंटल राइट्स। कौन बचाएगा, कौन आएगा सुपरमैन बनके बचाने आपको? कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, कौन आएगा उसमें से? तो आपके फंडामेंटल राइट्स का जो हनन होगा उसको बचाने आएगा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 किसके माध्यम से, रिट के माध्यम से। रिट कौन कौन से होते हैं पढ़ लेना। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और जो वीडियो अंत तक पहुंच गया है, मुझे तो उम्मीद बहुत कम लगती है, जितने महान पुरुष हैं हमारे देश में, स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से बहुत कम होंगे जो इस लेवल तक पहुँचेंगे। आधे घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका होगा, तो अगर पहुँच चुके हैं तो ये मॉक सीरीज चल रही है। ठीक है, मॉक अगर सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हो, तो अगर मॉक टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। अगर पढ़ना चाहते हो, वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हो, पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पढ़ना चाहते हो, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट चाहते हो कि मैं आपके साथ करूं, मैम जिसे पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आप हर चीज़ आपको बताई जाएगी, एक बंदा ऑफिस में आपको लगा रहेगा जिसे आपको सवाल पूछता रहेगा, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेस्ट होगा, फिर आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी, उसके लिए भी आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, अगला टेस्ट होगा मैं बता दूंगा यूट्यूब पर। जिसे पढ़ना नहीं है वो उसको अनसब्सक्राइब कर दे चैनल को। ठीक है, जो पीसेस बनना चाहता है बस वही सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों की जरूरत मुझे नहीं, क्योंकि दुनिया का टाइम बहुत कम है फालतू लोगों के साथ काम करने का। ठीक है, ओके बाय। ठीक है, जुकाम बहुत ज़्यादा है मेरे को यार।